चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो राम राम, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे YouTube चैनल देसी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं भाई अपने घर, अपने मम्मी पापा के पास। हस्बैंड मेरे साथ जा रहे हैं तो मैं रास्ते का थोड़ा सा ही शूट कर पाई। तो अब हम आ गए हैं भाई अपने घर, तो सबसे पहले तुलसी माँ के दर्शन कर लेते हैं और फिर पूजा घर में मत्था टेक लेते हैं भाई। सबसे पहले पूजा घर में आशीर्वाद लेते हैं भाई। जब भी हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले पूजा घर में जाते हैं, चाहे हम मायके से चाहे ससुराल से, वहाँ से भी हम मत्था टेक के आते हैं, यहाँ भी टेकते हैं। तो सबसे पहले भाई अपने पूजा घर में दर्शन कर लेते हैं और फिर मिलते हैं फैमिली मेम्बर से। मैं अपने घर पे मैं कोशिश करूँ कि अपने फैमिली वालों से आपको मिला सकूँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी। सबसे पहले मिली भाई मेरे पिताजी से। ये मेरे पिताजी हैं, हम पिताजी बोलते हैं, मेरे पापा नहीं बोलते हैं। घर में तीन लोग हम पिताजी बोलते हैं और दो लोग पापा बोलते हैं। तो इस तरह से भाई हम पिताजी बोलते हैं। तो मैं इनसे बात तो नहीं करवा पाई, थोड़ी चिकचाट हो रही थी इसलिए तो सीधा ही शूट कर पाई। पिताजी भाई सो रहे हैं भाई, रेस्ट कर रहे हैं। पास में पड़ा हुआ है ओका। तो ये मिली मेरी मम्मा से, ये मेरे लिए कुछ निकाल रहे हैं, मेरे साथ कुछ भेज रहे हैं। ये मेरी भतीजी, माँ बाप तो भाई कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। हेलो बेटा। हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मिली है मेरे भाई से। नमस्कार। हम आए भैया राम दादा जी के मंदिर पर। ये अड्डे वाला मंदिर है भाई, बैलोल नगर का मंदिर है ये। यहाँ के आसपास के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग का ये पंचमी के दिन खुलता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर की पेंटिंग्स। ये मांगीलाल जी की पेंटिंग्स है। ये हमारे घर पर फैमिली बेरी के दो पेड़ लगे हुए हैं भाई। हम तो बोरिया बोलते हैं इनको, लेकिन हिंदी में बेर बोलते हैं भाई। फैमिली बेर है ये, खूब सारे लगे हुए हैं लेकिन धूप के कारण अच्छी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर ले रही हूँ लेकिन अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ भाई। ये मेरे भाई भाभी की शादी की फ़ोटो, उनकी शादी को 6 साल हो गया। और ये मेरे पापा की पुरानी फ़ोटो है। और ये गणेश जी बने हुए हैं साइड में, जो गुल्लक पर बने हुए हैं। और ये हमारी छोटी सी बगिया, इसमें एक नार का पौधा है, कुछ फूलों के पौधे हैं और कुछ बैंगन के पौधे हैं भाई। और ये मेरी भतीजी परी, ये कर रही है पूजा। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, इनको कुछ भी पता नहीं होता। ये छोटी है भाई, अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, तो ये धूप जलाने की कोशिश कर रही है लेकिन माचिस से नहीं जला पाती है भाई। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है पूजा पाठ करने की। और ये कर रही है मस्ती। बच्चों का बचपन बहुत ही खूबसूरत होता है भाई, सच में मन करता है कि हमारा बचपन भी वापस लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता भाई। ज़िंदगी तो यही होती है, बिना सोच फिक्र के भाई बिंदास ज़िंदगी होती है। ये मेरा भाई ओके के साथ पोज ले रहा है भाई, ये भी मस्ती कर रहा है। आज संडे है तो ये फ्री है, ये बोल रहा है मेरा सूट कर भाई ओके के साथ, तो मैं इसका सूट कर रही हूँ। ये देखिए मेरी मम्मा निकाल रही है दूध भाई, वो मिल्किंग मम्मा हैंड। गाय का दूध निकाल रहे हैं, गाय पिला रही है लाप। रात का टाइम है भाई, मम्मी दूध निकाल रही है, भाभी बना रहे हैं खाना, चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, सब्जी बन चुकी है, रोटियां बना रहे हैं भाई। और फिर हम खाएंगे गर्मा गर्म खाना, इससे पहले करके आएंगे पूजा भाई। पास में कुटिया, उस पर हम दिया जला कर आएंगे। गाँव में तो भाई हर घर में लगभग ऐसा ही होता है, चूल्हे पर खाना बनता है हर रोज़, ऐसा ही होता है। शहरों में भाई चूल्हे का खाना खाने के लिए तरसते हैं, चूल्हे का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है भाई। और अब हम आ गए हैं भाई बुद्धास जी की कुटिया में। ये बुद्धास जी महाराज की तस्वीर है, 2011 में इन्होंने चोला छोड़ दिया था भाई, तो इनकी समाधि है। ये हनुमान जी की गोद में बैठे हुए हैं। तो हम हनुमान जी की और इनके गुरु गंगादास जी की और बुद्धास जी की पूजा कर लेते हैं और दिया जला लेते हैं। मम्मी यहाँ दिया जलाने आए थे तो मैं भी उनके साथ आ गई थी। मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ ज़रूर आती हूँ भाई, यहाँ मत्था टेकने के लिए ज़रूर आते हैं। तो मम्मी ने दिया जला दिया है और अब हम चलते हैं शिव मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। ये शिव जी का मंदिर है भाई, ये मंदिर बना हुआ है कुटिया में ही, तो मैं इसके भी दर्शन आपको करवा रही हूँ। ये शिव बोले बैठे हुए हैं भाई, ये देखिए मंदिर।
अंदर से मैं दिखा रही हूँ, बाहर बहुत अंधेरा है तो आपको नहीं दिखा पाई भाई, सिर्फ अंदर का व्यू मैं आपको दिखा पा रही हूँ। हम बाहर से दौक लगा रहे हैं लेकिन परी अंदर चली गई है भाई, बच्ची है नहीं जानती, छोटी है भाई, तो ये मत्था टेक रही है, तिलक कर रही है। शिवरात्रि के दिन भैया जागरण लगता है, काफ़ी भीड़ रहती है, बाहर शिवलिंग है तो शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। यहाँ चल रही है भाई मेरे भतीजे भतीजी की मस्ती, ये सूर्य कायल और परी दोनों की मस्ती चल रही है भाई। ये तीन चार दिन के बाद अपनी बुआ पास से आया है। परी अपने भाई के बिना बहुत उदास हो गई थी भाई, इसको देखकर बहुत खुश हो रही है तो इसके साथ खूब मस्ती कर रही है। तो परी कर रही है भाई डांस, यहाँ फ़ोन में गाने चल रहे हैं तो उन पर डांस कर रही है। मुझे आए हुए दो दिन हो गए और वापस जा रहे हैं, पतिदेव जी आए हुए लेने के लिए, पहले मुझे छोड़ कर गए थे, तो अब हम हो गए तैयार, ये मेरा भतीजा मेरी भाभी तो हम हो गए भाई तैयार, अब चलते हैं ससुराल दो दिन के बाद। हम चल पड़े हैं भाई और रास्ते का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गेहूँ के खेत हैं भैया, गेहूँ और सरसों की बिजाई सबसे ज़्यादा होती है, ये गगरन नदी का एरिया है इसलिए यहाँ पर ईंट भट्टे भी बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है तो ईंटें बनाने में काफ़ी मददगार होती है, तो यहाँ पर भाई ईंट भट्टे बहुत ज़्यादा है। ससुराल से मायके की दूरी 20 किलोमीटर है भाई, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भाई ईंट भट्टा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी शुरू हो चुके हैं भाई ईंट भट्टे, ईंटें पक रही है और एक तरफ ईंटें बन भी रही है। बारिश के मौसम में ईंट भट्टे बंद हो जाते हैं भाई और लेबर अपने अपने घर लौट जाती है,